उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत सख्त होता है। अगर हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। फोर्स के कणों के भी बहुत स्तर नहीं होते हैं, तो वह अपना आकार आकार उसका आकार वही रहता है। उदाहरण के लिए पत्थर, बर्फ, लकड़ी, शीशा इत्यादि ठोस के उदाहरण है। हेलो, मैं द्रव हूँ। द्रव के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, उनमें कोई भी चीज़ घुल जाती है और वह अपना आकार बदल सकते हैं किसी भी वस्तुओं में जाके। और जो द्रव होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उनके एक स्थान भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से कई सामान